साथियों कहां चले गए रे सब के सब? अरे साले आ रहे हो कि जाऊं मैं? उतारू कहां चले जाते हो साथियों सब? सेन काटे लागे पहले बटोरत रहे। पवन कुमार कुर्सी लगाओ, आज मैं आराम करूंगा। जल्दी लगा रहे, जल्दी लगा। पवन कुमार जी, जो बच्चा मैं सागर सिंह के हाथों से छुड़ाया था, आज वो बच्चा 18 साल का हो गया है। जी भैया, जाकर देख के आओ इस समय जंगल में किस कोने में गुल्ली डंडा खेल रहा है। जी सर, ला के लाओ। ना जाने क्या बात है, जब मैं अपने बड़े भैया के पास आता हूँ तब इन्हें खुशहाल देखता हूँ। आज ना जाने बात क्या है, बहुत उदास बैठे हैं। इनके उदासी का कारण मैं जानना चाहता हूँ। बड़े भैया, कुछ कहना चाहता हूँ। और बात क्या है भैया, बात क्या हो गई भैया, जो उदास बैठे हो। और लिए कमों की सांस, बड़े भैया, और लिए कमों की सांस, बहुत निराश। बड़े भैया, और मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई कि जो इतना नाराज और इतना उदास बैठे हो, जानना चाहता हूं। जीवन मेरे भाई, क्या बात है भैया, अगर आप अपने बड़े भाई को मजबूर करता है तो तेरा भाई आज तुझसे जरूर बताए। क्यों नहीं, जानना चाहता हूं कि मुझसे कौन ऐसी गलती हो गई है कि जो। और क्या बताऊं तुम्हें जीवन, मेरे भाई क्या बात है। और क्या बताऊं तुम्हें जीवन, मैं क्यों उदास बैठाऊं। जिगर पत्थर सा कर लेना, ये कहानी जिगर पत्थर
कर लेना ये कहानी। भैया आखिर कौन ऐसी बात है कि जो मुझसे छुपा रहे हो? जीवन तू मेरे साथ चल, सब चलता ही रास्ते में बताऊंगा कि आज तुझे एक अलमोल चीज दिखाऊंगा और आज एक ऐसी ममता का प्यार दिलाऊंगा कि तू भी क्या याद करेगा। चल मेरे साथ, मेरा वक्त नहीं है। ठीक है चलो भैया, लेकिन कहाँ ले चले हो? जानना चाहता हूँ कहाँ ले चले हो, किसके पास, किसके पास ले चले हो? सीमा ना, आज एक ऐसी माँ से मिलाऊंगा। क्या मेरी माँ से? हाँ, का यही क्या मेरी माँ है तो तुम्हारी माँ नहीं है? मेरी भी माँ है, लेकिन चलकर पहले देखे भयानी माँ के पास बताओ। चलो बेटा, माँ इसे पहचान रही हो? ये कौन है बेटा? गौर से पहचान। मैं इसे नहीं पहचान रही हूँ। कहावत में कहा है कि माँ की ममता कहीं भी जाए, आसमान में छुपा हो या पृथ्वी में छुपा हो, माँ की निगाहें बहुत तेज होती हैं। देख सामने तेरे कौन खड़ा है? बेटा ये जीवन तो नहीं है। ठीक कहा, ये जीवन ही ना। ठीक तूने पहचाना माँ, जीवन बेटा। हाँ माँ, मेरा नाम जीवन है। एक दिन बड़े भैया बता रहे थे कि बड़े भाई जीवन, आज 18 साल से तू मेरे पास है, आज चल तुम्हारी माँ से मिलाता हूँ। तो ये बताओ माँ कि मेरे बड़े भैया ने जो कहा कि चलो तुम्हारी माँ से मिलाता हूँ, जीवन क्या तुम मेरी माँ हो सकती हो? इनकी माँ नहीं बेटा, हम दोनों की माँ है, तुम्हारी भी माँ और उनकी भी माँ है बेटा। हाँ बेटा, जीवन मेरी बात तो क्या बात है? हम क्या नहीं कहना चाहते, क्या कहना चाहते हो? अरे नहीं हूँ मैं जीवन सगा तेरा भाई, नहीं हूँ मैं जीवन जीवन सगा तेरा भाई, मुझे बात मिल गई ये क्या कर रही है बेटा, कहाँ जा रही हो? अरे बड़े भैया पागल तो नहीं हो गए? ये भाग कर जा रहे हैं, ये कह रहे हैं तू अपनी माँ के पास रहो, मैं यहां से चला जाऊंगा। और क्या कह रहे हैं कि जीवन में तुम्हारा सगा भाई नहीं हूं। माँ तू छिपा रही है, तू कहती है तू मेरे दोनों भाई के हैं, लेकिन ये बड़े भैया कहते हैं कि जीवन में तुम्हारा सगा भाई नहीं हूं। बड़े भैया आज दिन तक माँ का प्यार मैंने नहीं पाया,
माता और पिता का प्यार तुम्हीं ने दिया है। आज जो कुछ शिक्षा मिली है ये सब तुम्हारे वजह से मिली है। आज दिन तक मैं तुम्हारी गोद में पला हूं, आज तो मुझे छोड़कर जा रहा है और कह रहा है मैं जीवन तुम्हारा सारा भाई नहीं हूं। बड़े भैया हम तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। जीवन मैं मां से वचन लिया हुआ था, इसीलिए ये राज अपने सीने में मैंने दफन कर बैठा हुआ था मेरे भाई भैया, इसीलिए आज तक तुमसे मैंने सांस कभी नहीं लिया भैया। मैं तो चाहता तो जब तू होशो होश समझने लायक का था तो उसी वक्त मैं बता देता, लेकिन नहीं बता रहा। भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। जाने दे मुझे। और नहीं ऐसी बात ये भैया सुनाओ, नहीं ऐसी बात ये भैया सुनाओ, नहीं भाई को छोड़ कर दूर जाओ, नहीं भाई को छोड़ कर दूर जाओ। माँ की ममता तुम्ही ने दिया है, बड़े भैया माता और पिता का प्यार तुम्ही ने दिया है, माँ की ममता तुम्ही ने दिया है, नहीं छोटे भाई को जाता बुलाओ, नहीं छोटे भाई। अरे भैया मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता, मुझे जीवन नहीं जाओ। जीवन रिलैक्स रिलैक्स मेरे भाई, तुझे तेरी मां मिली और मां को एक बेटा मिला, मुझे क्या मिला? लेकिन मैं तुम्हारी बगैर मैं मुझे क्या मिला? तर तर की ठोकरें खाना, मैं तो एक मां का फर्ज निभाया था और आज भी जा रहा हूं एक बाप का फर्ज निभाने। जब तक मैं अपने बाप का फर्ज निभा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन की सांस कभी नहीं लूंगा। ठीक है भैया, अगर तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो तो मुझसे वादा करो कि ठीक तीसरे दिन अपने भाई जीवन से मिलने के लिए जरूर आओगे। अरे पगले, केवल तेरी आत्मा मुझे प्यार से बुलाएगी ना तो हर दूसरे दिन आऊंगा, तू तो तीसरे दिन की बात करता है। ठीक है बड़े भैया, मुझे जाने की आज्ञा दो, माँ और बेटा दोनों मिलकर। ठीक है भैया जा सकते हो। जा रहा हूँ माँ। माँ हाँ बेटा आओ चलते हैं, मेरे लिए कुछ खाने की व्यवस्था किया जाए। चलिए क्योंकि मेरे भूख बहुत तेज से लगी है। चलिए मैं आओ चले ना। हेलो, हाँ जो कहना था है कि ढोलक बाजे तबला बाजे और बजे हारमोनिया, ढोलक बाजे तबला बाजे और बजे हारमोनिया, अरे कृष्णा कहे मुरली बाजे उलाधा बनी नचनिया, कांधा लई गे मोर मथनिया कहिया काहे थे। सिपाही गुड मॉर्निंग मालिक, बोला तो बोला क्या बोला?
साला बुढ़बक। सारे उतारू पड़ेगा सागर ठाकुर साहब। कहो कैसे खुशखबरी लेकर आए हो ठाकुर साहब? खुशखबरी ठाकुर साहब, ऐसी खुशखबरी है कि आप सुनकर भी चौंक जाएंगे। घर के लोग सभी मेला देखने के लिए उतावले हो रहे हैं और आपसे हुक्म के लिए आना चाहते हैं। आओ ठकुराइल कहो आखिर बात क्या है जो कि माँ और बेटी मेरे पास आई हो? कौन सी उम्मीद लेकर आई हो? मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। इजाजत है? जयपुर का मेला इतना तगड़ा मेला लगा है और ज्योति, ये मेरी बेटी ज्योति बहुत जिद कर रही है। ठीक है। हाँ पापा, अपने पापा से बोलना। पापा चलिए मैं मेला चलूंगी और आप मेले लेकर चलिए मुझे और ठीक है बेटी। अगर तुम्हारी जिद है, तुम लोग मेला देखने जाना चाहती हो। हाँ पापा। तो चलकर तैयारी बनाओ। इस वक्त मेरे को मेला देखने की टाइम नहीं है। हमारी खोपड़िया को आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपके साथ जाना चाहती है। इस वक्त खोपड़ी बहुत ज्यादा उलझन में है। जब देखो तब हमारी खोपड़िया को बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ मेला दिखाने के लिए हम सागर को भेज दे रहे हैं। जाएगा मेला दिखाकर तुम लोगों को दिल्ली पर वापस ले आएगा। जाओ ठकुराइन बेटी, जाओ हवेली में चलकर फौरन मेले की तैयारी। सागर ठाकुर साहब, हमारी बिटिया ज्योति और ठकुराइन जयपुर का मेला देखना चाहती है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? इजाजत है तुम इन दोनों को साथ ले आकर चले जाओ और बाइज्जत मेला दिखाकर सूर्यास्त होने से पहले हवेली वापस आओ।
ठाकुर साहब आपका हुक्म सराखों पर मैं मेला दिखाकर ठाकुरायन और छोटी को मेला दिखाकर शाम होने से पहले राजमहल वापस लौटाऊंगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ठाकुर। आओ मुन्ने लाल साहब गया गया जयपुर ठाकुरायन को मेला दिखाने जी। अब चलो हम लोग रियासत की तरफ चलते हैं अपना दिल बहलाने। क्यों नहीं चलिए। हमारा तो कहना का है कि सुना है नहीं हरमा और सुना है नहीं हरमा अरे पर बात सुना है नहीं हरमा मछरिया पकुलिया कलीले अरे मैं चकुरा लीला अजगर फेटार सुना है सुना धरती बरसई बादल भीजे अरे वो करिया पिया चैची कौना तई मास सुना है नहीं हरम अरे बात सुना है नहीं सुना है नहीं हरम सुना है नहीं हरम अरे बात सुना है नहीं